Hello everyone. Uh, very good morning to all. This is me Rahul Bharadwaj, and I welcome you all to Let's Crack UPSC C S C. All of you are welcome to the class. Uh, please let me know that I'm audible and everything is fine. Very good morning to all. Uh, hello Monica. Hello Sandy. Hello Ishwar. Hello Real. So all of you are. वेलकम टू द क्लास एक बार आप बता दीजिए दैट एवरीथिंग इज ऑपन ओके प्लीज गिव अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट हीट सो दिस इज अ क्लास ऑन डेली करंट अफेयर्स ओके जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर रहे हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस क्लियर

एज़ uh, as far as the timing is concerned, we start around 7 to 7:15 के बीच में हम स्टार्ट करते हैं और ये जो लिंक है यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेस जैसे अभी आपका पी आई भी नहीं हो पाया पिछले एक हफ्ते से नहीं हो पाया था तो वो जो है वो पूरा हम यहाँ पे फ्री क्लास के फॉर्म में कवर करेंगे जो भी इंफॉमेशन होगी यहाँ पे अपडेट रहेगी टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा इसके अलावा अन अकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं पूरी यू पी एस सी प्रेपरेशन के लिए ओके दिस इज़ अ काइंड ऑफ वन पॉइंट सोल्यूशन यह आपका प्लान है प्लान के अकॉर्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके लिए आप जा सकते हैं फाइन यूज़ द कोड आर बी लाइव टू गेट दिस टेन परसेंट डिस्काउंट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस सोलह जून से आपका ये बैच स्टार्ट है मतलब कल ही से स्टार्ट हुआ है जिसमें पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है ये कुछ बेनिफिट है आइकॉनिक के और ये इसका फीस स्ट्रक्चर है आइकॉनिक पे ये आपका हंड्रेड सीट्स का बैच है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरिंग दी जा रही है इसके लिए आप जा सकते हो लोन फैसिलिटी का लिंक है और सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये ट्वेंटी बुक्स मिलेगी चाहे आप हिंदी में लेना चाहें या इंग्लिश में जिसमें पूरा सिलेबस नोट्स फॉर्म में कवर है तो आपको मल्टीपल सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है बहुत अच्छे समराइज वे में कवर किया हुआ है पूरे सिलेबस को इंक्लूडिंग प्री मेन्स एवरीथिंग इज देयर इंटरनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्स वाई जेड अपडेटेड विथ करंट अफेयर्स केवल ऑप्शनल के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है केवल ऑप्शनल के लिए जा सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शनल अभी आपके नए स्टार्ट हुए हैं सोलह तारीख से उसके लिए आप जा सकते हैं आई थिंक दिस ऑफर हैज़ एंडेड ये जो महा ऑफर था यह कल आपका एंड हो गया जिसमें सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेस तक वैलिड था तो नाउ दिस ऑफर इज़ नॉट वैलिड हाउ एवर यू कैन टेक दिस बेनिफिट ऑफ दिस ह्यूज डिस्काउंट थर्टी फाइव परसेंट डिस्काउंट मतलब एक साल की आपकी प्रिपरेशन है इट विल कॉस्ट यू अराउंड फिफ्टी थाउजेंड समिंग ओके आफ्टर अपलाइंग दिस कोड आर बी लाइव तो so, इसमें आपका प्री मेन्स ऑप्शनल एवरीथिंग इज़ कवर्ड ओके टोटल प्रिपरेशन पैकेज दिस इज़ द थिंग यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट एज वेल चलिए कोई भी आपकी क्वेरी रहती है यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं इस सेशन का जो पी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओके okay? इवनिंग तक मिडिल ऑफ द डे तक आपका अपडेट हो जाता है यू कैन गेट एक्सेस ऑफ दैट पी डी एज वेल स्टार्ट करेंगे ओके uh, तो okay? so, साइंस एंड टेक से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे है ना साइंस एंड टेक इज देयर ओके देखिए ट्विटर को लेके चल रहा है अभी पूरा इशू आप कहीं पे भी देखेंगे सोशल मीडिया ये आपका जीएस पेपर थ्री है चाहे आप साइंस एंड टेक से रिलेट करें चाहे आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेट करें है ना या रेगुलेशन से आप रिलेट करेंगे एंड मल्टीपल जगह पे आपका कनेक्ट होगा आई विल एक्सप्लेन दिस तो अगर आप आज फ्रंट पेज देखते हैं ओके फ्रंट पेज देखेंगे या जितनी भी हेडलाइंस देखेंगे यू विल फाइंड दैट दिस इज द थिंक हियर कल भी ये न्यूज़ में था ट्विटर का तो इस पर हम बात करेंगे किस तरह से आपका प्रॉब्लम uh, चल रही है गवर्नमेंट की ट्विटर के साथ क्या प्रॉब्लम है ओके okay, ट्विटर uh, जो है किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आईटी रूल्स थे उनको फॉलो नहीं कर रहा है उनको फॉलो नहीं करने से ट्विटर के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा ये सब चीज़ें और यहाँ पे जो आईटी uh, मिट्टी uh, के जो मिनिस्टर है ओके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइन द मिनिस्टर साइट्स देखिए पहले तो मिनिस्टर कह रहे हैं कि ट्विटर जो है ये आपका डेफियंट uh, है मतलब ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है दिस इज द फर्स्ट थिंग तो इस रूल पे भी हम आएंगे किस तरह के रूल्स हैं और क्यों नहीं फॉलो कर रहा है uh, लेकिन उससे पहले एक और उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और द मिनिस्टर इज बेसिकली हाईलाइटिंग द काइंड ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स है ना जो ये माइक्रो ब्लॉगिंग जो साइट है प्लेटफॉर्म है ट्विटर जो है यहां पे फॉलो किया जा रहा है वो क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एफ जो है ट्विटर के अगेंस्ट में एक एफ प्लेस की गई है यूपी पुलिस के द्वारा ओके यूपी पुलिस ने ट्विटर के ऊपर एक एफ प्लेस किया है ओके टू फ्लैग इट्स आरबी इन फाइटिंग द फेक न्यूज आरबी का मतलब क्या है कि आप जो है एक ही चीज को है ना एक ही कोई भी आपका पर्टिकुलर थिंग है उस पर आप अलग अलग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हो इसको इस नजरिए से देख लिया इसको इस नजरिए से देख लिया समथिंग लाइक like, अगर कोई क्रिमिनल है तो एक क्रिमिनल को आप अलग तरीके से डील कर रहे हो हालांकि उन्होंने क्राइम सेम किया है दूसरे क्रिमिनल को आप कुछ फेवर दे देते हो अच्छा चलो तुम्हें छोड़ दिया ठीक है मेरी मर्जी है मैंने तुम्हें छोड़ दिया नहीं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैंने पकड़ लिया समथिंग लाइक दिस तो यहां पे क्या हुआ एक इंसिडेंट हुआ आई होप आपको पता होगा अगेन दिस इज ऑन द फ्रंट पेज जहाँ पे ओके एक बुजुर्ग हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो बिलोंग कर रहे हैं तो उनको उनका इस तरह से सोशल मीडिया पर वा, वीडियो वायरल होता है उनको कुछ लोग पीट रहे हैं है ना डंडों से पिटाई कर रहे हैं उनकी जो बियर्ड है उसको काट दिया गया है फिर वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इस पूरे इंसिडेंट को कम्यूनल एंगल दिया गया क्या दिया गया कम्यूनल एंगल दिया गया सांप्रदायिक एंगल इसको दिया गया और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया गया दो कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड फैलाने का प्रयास किया गया लेकिन जब पुलिस ने इसकी तहकीक़ात की उन्होंने किया कि उन्होंने क्या पाया कि ये जो है ये गलत है इसमें इस तरह का कम्यूनल एंगल नहीं है ये जो इंडिविजुअल है ये जो बुजुर्ग है इसने कुछ ताबीज वगैरह जो एमुलेट होता है है ना वो कुछ दिया था तो उससे कुछ लोग खुश नहीं थे है ना तो फिर जो यहाँ पे पिटाई कर रहे हैं वो मेजर इशू था तो वहाँ पे कम्युनल कोई एंगल नहीं था पिटाई करने वाले में दोनों कम्युनिटीज़ के लोग थे ऐसा नहीं था कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी उन्हें टारगेट कर रही है लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे या पूरी न्यूज ये वायरल होती है तो इससे क्या हो गया रिस्क क्रिएट हो जाता है किस चीज़ का वायलेंस का है ना कम्यूनल हार्मोनी एंडेंजर हो सकती है वायलेंस क्रिएट हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आपको पता है कम्युनल मैटर्स कितने सेंसिटिव होती हैं सांप्रदायिकता बहुत तेजी से भड़क सकती है तो उस कॉन्टेक्स में इसके ऊपर इस मैटर पर कुछ ट्वीट हुए हालांकि जो यूपी पुलिस है उन्होंने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन उसको करेक्ट नहीं किया गया है ना तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आर्बिट्ररीनेस इन फाइटिंग द फेक न्यूज़ क्योंकि वो फेक न्यूज़ चली ये फेक न्यूज़ हो गई ना कि कम्युनल एंगल है इसमें क्लियर कि दो कम्युनिटीज़ हैं वो एक दूसरे को टारगेट कर रहा है समथिंग लाइक सो दिस इज द फेक न्यूज़ इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है जो मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ ओके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं द ट्विटर चूजेज अ पॉलिसी ऑफ फ्लैगिंग मैन्यूपुलेट्स मीडिया ओनली वैन इट सूट्स इट्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स वो मैनिपुलेटेड मीडिया उसको टैग कर देना चाहिए था क्यों क्योंकि वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं है समथिंग लाइक दिस ओके वो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है तो जो भी एक्शन उस पर होना चाहिए था वाट एवर एक्शन ओके द ट्विटर कुड हैव टेकन तो वो नहीं लिया गया उस चीज़ को ये कह रहे हैं कि ये ट्विटर जो है अपनी मर्जी से इस तरह से आपका एक्शन ले रहा है दैट इज नॉट द राइट थिंग तो एक तो ये मैटर हुआ और जो बड़ा मैटर है वो क्या है कि ट्विटर जो है जो आईटी रूल्स अभी आपके हैं जो आईटी रूल्स अभी आपके हैं उसको ये फॉलो नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल किस तरह के रूल्स आपका फॉलो नहीं किया जा रहे हैं ट्विटर uh, जो है ये जो uh, अभी आपके नए आईटी रूल्स थे है ना जो फेबररी में अनाउंस किए गए थे उसके अंदर uh, कहा गया कि आप सभी इसको फॉलो कीजिए कुछ गाइडलाइंस थी जो हमने डिटेल में किया भी था उसी में से uh, ये था कि uh, जो रेजिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर है नोडल ऑफिसर है चीफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है ठीक है इनको आपको अपॉइंट करना है अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव इन द रोल ऑफ दिस 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 तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे हालांकि ट्विटर ने कहा हमने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कर दिया गवर्मेंट कह लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव है ग्रीवानस ऑफिसर क्या करेगा अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है ठीक है कॉन्टेंट के रिगार्डिंग एट्सेट्रा तो वो आपको अप्रोच कर सकता है आप हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनको कम्पलायंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसके लिए एक कंप्लायंस ऑफिसर आपका रहेगा जो भी आई टी रूल्स है तो कुल मिला के इन चीज़ों पर ट्विटर का कम्पलायंस अभी तक नहीं आया है गवर्नमेंट इज सेंग कि ये लॉ ऑफ लैंड है इंडिया में आप फंक्शन कर रहे हो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट कंपनी ओके इंडिया में अगर आपको फंक्शन करना है यू विल है रूल ऑफ लैंड ऑफ द लॉ और अब ये सिंस दिस ट्विटर है तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि ट्विटर का जो फेलियर हैवर्नमेंट गाइडलाइंस गवर्नमेंट की गाइडलाइन को ट्विटर फेल uh, मतलब फॉलो नहीं कर रहा है तो इससे क्या इंपैक्ट होगा इससे इम्पैक्ट ये होगा कि ट्विटर को जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है आई एक्ट के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका सेक्शन 79 है ये क्या देता है ये आपको प्रोटेक्शन देता है किस तरह का प्रोटेक्शन देता है ये प्रोटेक्शन देता है मान लीजिए किसी ने भी आ, कोई भी हेटरेड फैलाने का वायलेंस क्रिएट करने का कोई भी ट्वीट एक्सेट्रा क्रिएट कर दिया है ना तो आ, इस से 79 सेक्शन के अंडर में ट्विटर को ये इम्यूनिटी है उसको ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है कि उस बंदे ने एक्स वाई जेड इतने सारे लोग हैं मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर ऑन द ट्विटर ओके करोड़ों लोग वहाँ पे हैं तो कोई भी कुछ भी ट्वीट करेगा तो उससे आ, आपको ये प्रोटेक्शन दे रहा है, है ना उसकी जिम्मेदारी ट्विटर की नहीं है ट्विटर एक इंटरमीडियट का काम कर रहा है वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है और वहाँ पर किसी भी तरह की जिम्मेदारी ट्विटर पर नहीं रहेगी अगर कोई भी इस तरह का ट्वीट पोस्ट करता है उससे कोई भी कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होता है तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन दिया गया है ओके ट्विटर विल नॉट भी लीगली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट एवर द कॉन्टेंट ओके इज देयर अब ये 79 का जो प्रोटेक्शन है ये चला जाएगा क्योंकि ट्विटर जो है ये गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सेक्शन 79 के अंदर जो प्रोटेक्शन है दैट एनी इंटरमीडियटली शेल नॉट बी हेल्ड लीगली और अदरवाइज लायबल टू एनी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कोई भी उसका यूजर कुछ भी इन्फॉर्मेशन वहाँ प्लेस कर रहा है ठीक है तो उससे ट्विटर को प्रोटेक्शन दिया गया है लेकिन अब ये प्रोटेक्शन हट जाएगा अब ये प्रोटेक्शन हट जाएगा नाउ स्टैंड विद क्यों क्योंकि आप ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हो और गवर्नमेंट ने एक दो बार नहीं बार बार यहाँ पे रिमाइंडर भेजा दैट यू विल हैव टू फॉलो दिस गाइडलाइंस दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड क्लियर बहुत ही क्लियर पॉइंट्स में यहाँ पे मैसेज भेजा गया लेकिन ट्विटर ने इसको फॉलो नहीं किया और इसलिए ये सेवेंटी नाइन सेक्शन जो है आई एक्ट का इसके अंदर जो प्रोटेक्शन था दैट इज गॉन क्या इम्पैक्ट हो सकता है इम्पैक्ट क्या होगा इम्पैक्ट यही होगा हाउ डज दिस इम्पैक्ट द ट्विटर ट्विटर पे कोई भी अब uh, मान लीजिए किसी ने ट्वीट कर दिया उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया तो जिस बंदे ने ट्वीट किया उस पे तो okay? है उस पर तो एक्शन होगा ही पुलिस के द्वारा ओके और जो ट्विटर है उस पर भी एक्शन हो सकता है वाई बिकॉज दैट प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन सेवनटी नाइन इज नो मोर ऑफ आई टी एक्ट ये जो आई टी एक्ट का सेक्शन सेवनटी नाइन है इसमें जो प्रोटेक्शन है दैट इज गॉन तो अब आपको प्रोटेक्शन नहीं होगा अब यहां पे क्या हो सकता है ट्विटर विल बी लीगली लाइबल फॉर द कॉन्टेंट एज इट नो लॉन्गर हैज द प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अंडर दिस सेक्शन आई टी क्लियर आई होप ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट तो दिस इज द थिंग फाइन सो सूनर और लेटर ट्विटर विल हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस और ये जो प्रोटेक्शन है ये दिए जाते हैं और जनरली सभी जो इंटरमीडियरी हैं जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक वगैरह सब पे ये प्रोटेक्शन उनको इस तरह से ये मिला हुआ है और इसमें क्या होगा ये प्रोटेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब इंटरमीडियरी जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करता है मतलब वो कॉन्टेंट वहाँ पे एज़ इट इज़ रहता है विदाउट इंटरफेयरिंग विथ इट्स कॉन्टेंट किसी बंदे ने कोई ट्वीट वहाँ पे प्लेस कर दिया तो ये प्लेटफॉर्म उस कंटेंट से कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है अगर ये प्लेटफॉर्म वहाँ पे उस कंटेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी तरीके से तो दैट प्लेटफॉर्म विल आल्सो बी ओके प्रोसिक्यूटेड अंडर द लॉ वहाँ पे उसके अगेंस्ट में भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है तो ये पूरा है आ, यहाँ पे सेक्शन सेवेंटी नाइन याद रखिए आईटी आईटी रूल्स आई होप हमने कर लिए हैं पूरे आपको पता है ना वी हैव कवर्ड दिस आईटी रूल्स तीन चार बार हमने किया है स्टिल यू आर हैविंग द कन्फ्यूजन सो आई विल एड द आई टी रूल्स जिन आई टी रूल्स की ये बात हो रही है उसमें से कुछ ये प्रोविजन आपके हैं तो आई विल एड इन टुमारोज क्लास प्लीज़ लेट मी नो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ अगर आपको वापस से ये आई टी रूल्स वाला देखना है सो so कल हम इसको वापस से डिटेल में कर देंगे आई एम नॉट एडिंग इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थ्री फोर टाइम्स आई टी रूल्स हमने पहले ही तीन चार बार कर लिया देट्स वाई एम नॉट एडिंग इट इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज पे आते हैं एक बहुत ही यूनिक सा फिनिना देखने को मिल रहा है जो जनरली आप हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं है ना ये जो आपको दिखाई दे रही है फाइन, ये आपके क्या है मकड़ी के जाले हैं स्पाइडर वेब्स हैं सर इतने बड़े बड़े जाले और कहाँ पे ये हो रहा है अगेन ऑस्ट्रेलिया इज द टारगेट ऑस्ट्रेलिया में ये हैपन हो रहा है पहले हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया में माइस रेन हो रही थी ओके हजारों लाखों इस तरह से माइस ओके okay, जो इस तरह से निकल रहे थे लोगों के घरों से लोगों की दीवारों से अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है वो जो माइस है वो दीवारों के अंदर ही मर गए हैं और इतनी बदबू वहां से आ रही है प्लेग फैलने का खतरा है तो एक और नई प्रॉब्लम यहाँ पे आई है कि ये जो मासिव स्पाइडर वेब हैं ये क्यों क्रिएट हो रहे हैं पूरे रीजन के अंदर एक एक किलोमीटर लंबे मकड़ी के जाले फैले हुए हैं फाइन वाई इज दिस हैपनिंग और कहाँ पर यह हो रहा है देखिए ऑस्ट्रेलिया का ये जो रीजन है ये जो आपको नीचे दिख रहा है दैट इज दिस विक्टोरिया ये डिफरेंट डिफरेंट रीजनस है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा है ये मेलबॉर्न यहाँ पे है आपका इस विक्टोरिया रीजन में तो ये आपको साउथ ईस्ट पार्ट के अंदर ये दिखेगा दैट इज दिस विक्टोरिया रीजन यहाँ पे क्या होता है जनरली uh, ये फिनोमिना देखा जाता है विंटर्स के अंदर है ना जब वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है हैवी रेनफॉल होता है बट दिस टाइम इन दिस विक्टोरिया रीजन हैवी रेनफॉल इज हैपनिंग इन द समर्स उसकी वजह से क्या हो रहा है हैवी रेन्स और फ्लड्स हो रही हैं हैवी रेन और फ्लड हो रही है तो ये जो स्पाइडर्स हैं जनरली जो छोटे स्पाइडर हैं ये जनरली ग्राउंड लेवल पे रहते हैं ना ग्राउंड पे इस तरह से रहते हैं ये आपका ग्राउंड है यहाँ पे रहते हैं और ये आपके टॉल ट्रीज हैं तो ग्राउंड लेवल पे ये रहते हैं फ्लडिंग सिचुएशन फ्लड फ्लड लाइक सिचुएशन हो गई है अपनी जान बचाने के लिए क्या करेंगे ऊपर की तरफ आएंगे जंगल में कोई शेर आ जाता है या बाढ़ आ रही होती है आप क्या करोगे फटाफट -फड़ से पेड़ का है उस पर चढ़ जाते हैं है ना डॉक्यूमेंट्री देखिए वहां से आइडिया लेके आओगे क्या हो सकता है एक्स वाई जेड तरीका तो इसके अंदर क्या है आपका ये जो मकड़ियां हैं जो स्पाइडर्स हैं ओके दे आर ट्राइंग टू क्लाइंब अप टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ दिस फ्लडिंग सिचुएशन स्पाइडर द ट्रीज रोड साइंस एंड क्रिएटिंग यूज गर शीट्स गोजेमर शीट गॉजेमर मतलब ये इस तरह का मटेरियल होता है ओके स्टिकी वेरी थिन लाइट जिससे ये जाले आपके बन रहे हैं तो इस तरह का ये आपको दिखेगा यू हैव दिस तो ये गोजमर शीट्स आपकी बना रही हैं ये जो मकड़ियाँ हैं कहाँ पे ये हो रहा है ये जो विक्टोरिया स्टेट का जिप्सलैंड रीजन है वहां पे हो रहा है काफी दिनों से वहाँ पे इंटेंस रेनफॉल चल रहा है फ्लड लाइक सिचुएशन है स्पाइडर्स ओके टू क्लाइम टू द हायर ग्राउंड स्पाइडर जो हैं ऊपर हाइट पे आना चाह रही हैं यूजिंग ए सर्वाइवल टेक्टिक कॉल्ड बलूनिंग बलूनिंग की हेल्प से जिसके अंदर ये क्या करते हैं ये सिल्क अपना ये जो थ्रो आउट करेंगे ये जो गुजमर है इस तरह से थ्रो आउट करेंगे और ये आपका ट्रीज से है ना ये ट्रीज से आपका चिपक जाएगा इस तरह से और वो उसका सहारा लेके ऊपर की तरफ आएंगे क्लियर सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज काइंडर अलाउंग तरह का सर्वाइवल टेक्टिक है एंड वेन दिस हैपन स्पाइडर विच कैन प्रोड्यूस ए वाइड वेराइटी ऑफ सिल्क प्रोड्यूस दिस काइंड ऑफ वेब विच इज़ वेरी थिन, डेलीकेट एंड अलाउज देम टू फ्लाई अवे विद द ब्रीड्स ठीक है वो इसके साथ में जो है ये पूरा जो आ, आपका वेब है ओके okay, इसके साथ फ्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि ये हवा से भी हल्का है बहुत वेट इसका लाइट है तो ये वा हवा के साथ आपका सौ किलोमीटर तक आपका फैल सकता है मतलब जा सकता है बिकॉज दिस बैलूनिंग सिल्क इज़ लाइटर दैन द एयर इट लेच ऑन टू द ऑब्जेक्ट सच एज ट्री टॉप्स टाल ग्रासेज एंड अलाउंग द स्पाइडर्स टू क्लाइंबिंग अप ओके okay, तो नीचे से ऊपर की तरफ ये आ रहे हैं एक जो चीज आपको याद रखनी है दैट इज कि इस तरह के जो स्पाइडर्स हैं उनको वैग्रेंट हंटर्स कहा जा रहा है ओके द स्पाइडर्स विच आर कॉल्ड द वैग्रेंट हंटर्स ओके क्योंकि जनरली ये जो हैं ग्राउंड पे रहते हैं और इस तरह के वेब्स नहीं बनाते हैं नहीं बनाते हैं लेकिन अभी इनका सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया है दैट्स दे आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ वेब्स और इसमें क्या होगा एक ये जो आपको मासिव वेब दिख रहा है उसके अंदर ये कोई ज्यादा इनका वो नहीं है एक जो मासिव वेब है उसमें आपके बहुत सारे हजारों स्पाइडर्स हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको दिखेंगे ओके दिस मासिव वेब ब्लैंकेट सीन दिस वीक इज मेड बाई डिफरेंट इंसेक्ट तो आपके मिलियंस ओके मिलियंस के अंदर ये यह आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेंगे क्लियर ये जो आपको मासिव शीट्स दिख रही हैं तो इनकी हेल्प से क्या कर रहे हैं जो भी स्पाइडर्स हैं एट्सेट्रा है ये ट्रीज के ऊपर आ रहे हैं और ट्री के साथ आगे भी ये मूव कर रहे हैं दिस इज हैपनिंग इन दिस विक्टोरिया रीजन ऑलरेडी हमने देखा आपके ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जैसे हमने माइस किया भी था ओके माइस तो अभी रिसेंट टॉपिक ही है जिसके अंदर बहुत सारी इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी ओके माइस की पॉपुलेशन बढ़ गई थी माइस थोड़ा साइज में छोटा होता है रेट से एक रेट होता है एक होता है माइस तो आ, माउस या माइस ओके तो ये साइज में थोड़ा छोटा होता है इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई थी क्योंकि वहां पे बम्पर प्रोडक्शन था बम्पर प्रोडक्शन था फूड एम्पल हो रहा था और उसकी वजह से इनका प्रोडक्शन मतलब पॉपुलेशन बढ़ गया था प्लेग का खतरा बढ़ गया था और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रम्बा डिओलोन ओके एक तरह का पॉइजन है जो कि बैन है ये पॉइजन इसको भी अलाउ कर दिया था इसका यूज अलाउ कर दिया था क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई थी लोगों के घरों से छतों से चूहे ही चूहे निकल रहे थे और लास्ट ईयर अगर हम बात करें लास्ट ईयर मतलब 2020 जनवरी वहाँ पे कैमल की पॉपुलेशन को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था देखिए कैमल्स जो हैं इंडिया से इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑस्ट्रेलिया में ठीक है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे इंट्रोड्यूस इनको किया और ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा मेजर प्रिडेटर एट्सट्रा नहीं है और इनकी पॉपुलेशन बहुत अच्छे से बढ़ना स्टार्ट होती है और फिर इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो ये जो आसपास फूड है उसके लिए कम्पीट करते हैं ठीक है वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं फूड रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ कैमल्स तो ये डिसाइड किया गया कि लगभग दस हज़ार जो कैमल्स हैं ऊँट जो हैं टेन थाउजेंड्स कैमल्स को इस तरह से कल किया गया है उनको किल किया गया है ना टू ओके आ, जो ये आपके इश्यू है इसको डील करने के लिए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया फेस कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपका के पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर सकती है इंडियन इकोनॉमी पे आएंगे इंडियन इकोनॉमी पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास है एंड नॉट वर्किंग ओके देखिए आपके गोल्ड हॉल मार्किंग जो होती है आपने देखा होगा गोल्ड की हॉल मार्किंग होती है है ना तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कंपलसरी बना दिया अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है या आ, कभी भी आपने कोई ज्वेलरी देखी होगी आजकल हॉलमार्क बहुत कॉमन हो गया है तो इस तरह का ये साइन बना हुआ आता है ओके इस तरह का ये साइन बना हुआ आता है और इसे हम क्या कहते हैं हॉलमार्क साइन तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंपलसरी करने का काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया है कंपलसरी कर दिया है ओके okay, इसको मैंडेटरी कर दिया है लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है तो इसलिए इसको पूरे इंडिया में अभी एक साथ नहीं किया है अभी कितने डिस्ट्रिक्ट्स में किया गया है टू फिफ्टी सिक्स डिस्ट्रिक्स में किया गया है मैंडेटरी मतलब वहां पे ये कंपलसरी हो गया कि उनको हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी बेचनी होगी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी वो नहीं बेच सकते और इसके लिए कंडीशन क्या रखी गई ऐसे ज्वेलर्स जिनका 40 लाख से कम का टर्नओवर है क्या कंडीशन है 256 फिफ्टी डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई किया गया है हैविंग एन्यूअल टर्न ओवर अबव फोर्टी लाख चालीस लाख से ज्यादा का टर्न जिन ज्वेलर्स का है पूरे साल में चालीस लाख से ज्यादा की ज्वेलरी सेल करते हैं इसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों आएंगे तो वहां पे उन्हीं के ऊपर ये आपका लागू होगा और केवल 256 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगा इंडिया में 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं आई थिंक अराउंड 334 या 37 कुछ ऐसा हो गया है तो इतने सारे में से आधे ही आधे से भी कम डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो अराउंड वन थर्ड डिस्ट्रिक्ट में ही आप इंप्लीमेंट कर रहे हो क्यों क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में इसकी प्रॉब्लम्स हैं इसलिए गवर्नमेंट स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे जाना चाह रही है काफी साल से प्रयास किए जा रहे हैं तो हॉलमार्किंग मार्किंग में क्या होगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो इंडिया की नेशनल आ, इस तरह से स्टैंडर्ड बॉडी है ये आपका आ, सेट करेगी और जिस भी ज्वेलरी पे बी का ये आपको हॉलमार्क दिखेगा ओके ये हॉलमार्क दिखेगा ये क्या बता रहा है ये प्योरिटी ऑफ द मेटल बताएगा मेटल की क्या बताएगा प्योरिटी बताएगा जैसे हम बात करते हैं ना ट्वेंटी फोर कैरेट होता है सोना ट्वेंटी टू कैरेट का सोना होता है अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो आप बात करते हैं फिर आजकल कई ऐसा मिक्सअप भी आने लग गया है ना जिसमें आपको फोर्टीन कैरेट पर भी मिल जाएगा सिक्सटीन कैरेट ऐसा भी कुछ मिलता है तो इसमें ये जो ट्वेंटी फोर कैरेट है ये क्या बता रहा है ट्वेंटी फोर कैरेट मीन्स बिल्कुल प्योर गोल्ड है ट्वेंटी फोर कैरेट मतलब हंड्रेड परसेंट प्योरिटी है उसके अंदर गोल्ड के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपका जैसे ये ट्वेंटी टू केरट है ट्वेंटी टू केरेट गोल्ड लिखा हुआ है तो इसका प्योरिटी कितना होगा इसकी प्योरिटी लगभग नाइन्टी वन परसेंट के आसपास हो जाएगी कितनी हो जाएगी नाइन्टी वन परसेंट समथिंग इज़ देयर कैसे आप कैलकुलेट करोगे कैरेट के अंदर अगर आपको कैलकुलेट करना है देखिए आपको ये परसेंटेज सी सेट का क्वेश्चन हो गया ट्वेंटी फोर कैरेट जो है दैट इज़ इक्वल टू हंड्रेड परसेंट ओके तो यहां पर ट्वेंटी टू कैरट कितना होगा 22 कैरेट को आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये कुछ 91 वन परसेंट समय समथिंग शुड बी देयर तो 22 कैरेट के अंदर इतना परसेंटेज इतनी प्रतिशत 91 परसेंट के आसपास प्योरिटी है गोल्ड की इतना परसेंट गोल्ड है 24 कैरेट के अंदर 100 परसेंट गोल्ड है 12 कैरेट के अंदर कितना होगा 50 परसेंट गोल्ड होगा तो ये कैरेट वाला सीन आपको समझ आया तो ये आपका प्योरिटी डिफाइन करता है और यहाँ पे फाइननेस ग्रेड लिखा हुआ है तो कई जगह पे आप देखोगे फाइननेस लिखा होता है जैसे ये 91 परसेंट पता चल रहा है 22 कैरेट से लेकिन कई जगह पे 916 ऐसा लिख देंगे तो उसमें फाइननेस में क्या होता है 1000 अगर फाइननेस होगी दैट इज 100 परसेंट और फिर उसके नीचे जाएगा उतना परसेंट चलता जाएगा जैसे नाइन है तो नाइन्टी हो गया मतलब ट्वेंटी कैरेट के आसपास तो ये चीजें हैं और ये प्योरिटी जो है ये कौन सेट करता है कौन डिफाइन करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ओके ये कौन कौन से मेटल को इंक्लूड कर रहा है अभी केवल दो ही मेटल इंक्लूड है आपके सिल्वर और गोल्ड ये दो मेटल यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं हॉल मार्किंग के लिए हॉल मार्किंग इज द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन एंड ऑफिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोपोर्शनल कॉन्टेंट ऑफ प्रीसियस मेटल इन द मेटल आर्टिकल्स आप कोई भी ज्वेलरी जाने लेने जा रहे हैं तो क्यों इसको किया जा रहा है वट इज़ द रीजन क्यों किया जा रहा है वॉट इज द रीजन हॉलमार्क करने का रीज़न क्या है आपका हॉलमार्क करने का रीजन यह है कि इंडिया जो है गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्लियर अगर आप देखेंगे इंडिया जो है बिगेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का दैट इज वन ऑफ दैट रीजन इसके अलावा इंडिया में अभी जितनी भी ज्वेलरी है केवल और केवल थर्टी परसेंट के आसपास इंडियन जो गोल्ड ज्वेलरी है दैट इज़ हॉल मार्क कितनी है थर्टी परसेंट के आसपास तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि यार लोगों को कंज्यूमर को नुकसान ना हो उनको ट्वेंटी फोर कैरट बता के ओके आप इस तरह से बाईस कैरेट का दे रहे हो कहीं पर और भी कम प्योरिटी का गोल्ड दिया जा रहा है सो दैट डज नॉट हैपन दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग दिस हॉल मार्किंग एंड ट्राइंग टू मेक दिस हॉल मार्किंग मैडेटरी की इसको कंपलसरी कर देते हैं तो कंज्यूमर का फ़ायदा होगा अब इसके लिए ये आपका किया गया है अभी एट प्रेजेंट आपका ट्वेंटी टू कैरेट एटीन कैरेट फोटीन कैरेट ये सब चलता है ओके okay. और इसके अलावा गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ये ऑल्सो ये आपके सारे जो है हॉल मार्किंग के लिए अवेलेबल बना दिए हैं ओके एडिशनल कैरेट्स ये आपके हो गए हैं तो अभी आपका क्या हो गया ट्वेंटी भी हो गया है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू एटीन फोटीन ये सारे आपके अलाउ होंगे हॉल मार्किंग के लिए दिस इज़ द थिंग फाइन इसके अलावा जो ज्वेलर्स हैं वो बाई बैक कर सकते हैं आपके पास बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी है किसी के पास पुराना पड़ा होगा है ना ज्वेलरी तो उसको आप बेच सकते हो और वो खरीद सकते हैं ज्वेलर्स हो के इसको खरीद सकते हैं वॉट एल्स इज देयर एग्जाम्बन इसको दिया गया है हॉलमार्किंग मार्किंग में एग्जाम्शन किसे दिया गया है कोई भी एग्जिबिशन हो रही हैं ओके okay? कोई अगर इंटरनेशनल एग्जीबिशन है डोमेस्टिक लेवल पे कोई एग्जीबिशन है जिसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है तो उनको आपका एग्जामेशन मतलब उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा आप क्या कर सकते हो जैसे घड़ियाँ हैं फाउंटेन पेंस हैं वहाँ पर गोल्ड यूज़ हो रहा है तो उन केसेज में इस तरह के जो स्पेशल आर्टिकल्स हैं या फिर कुंदन पोल की जड़ाऊ ये सब चीज़ें हैं इनको हॉल मार्किंग से आपका छूट मिली है छूट दी गई है कि इनके ऊपर हॉल मार्किंग जरूरी नहीं है आप इसको फॉलो कर सकते हो एल्स वी डू हैव जरूरत क्यों है ये हम देख चुके हैं हॉल मार्किंग की फाइन और एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि केवल थर्टी परसेंट इंडियन गोल्ड ज्वेलरी हॉल मार्क इसका रीज़न ये है कि बहुत कम ऐसे सेंटर्स हैं जो हॉल मार्क इस तरह से दे रहे हैं ओके एसेइंग एंड हॉल मार्किंग जो सेंटर्स हैं ये बहुत कम है ओके एज़ पर द रिक्वायरमेंट जितना है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है देर आर अराउंड अबाउट 35 अराउंड 36,000 ज्वेलर्स अक्रॉस द कंट्री हु आर सर्टिफाइड बाय द बी पूरे देश के अंदर जहां पे 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन पहुंचने वाली है आपके केवल छत्तीस ज्वेलर्स हैं जिनके पास में ये बी सर्टिफिकेशन है और जो नंबर ऑफ ये हॉल सेंटर है दैट इज़ लेस देन वन थाउजेंड तो यहाँ पे भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ओके एंड दिस इज द थिंग बी को ओवरऑल हम बात करें तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं बी के रिगार्डिंग दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगी इसे याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है ना मिनिस्ट्री ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आएगी ये आपकी स्टेट्यूटरी बॉडी है इस्टेट्यूटरी बॉडी क्या होती है जो कि आपके पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई है सो दिस इज़ द स्टेट्यूट्री बॉडी ओके और 86 में ये आपका इस तरह से बनाया गया इसमें दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी एक तो इसके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो मिनिस्टर हैं ओके मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जो आपके मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के वो इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं इसके अलावा जो प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं ओके okay? ये वॉलंटरी बेसिस पे लिए जाएंगे अगर आपका मैंडेटरी होगा तो उसे गवर्नमेंट मैंशन करेगी कि ये मैंडेटरी है जैसे अभी गोल्ड के कंटेक्ट में किया गया क्योंकि जनरली क्या होता है जो सर्टिफिकेशन होते, है, होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं क्लियर सम प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क ऐसे प्रोडक्ट जहां पे आपकी सेफ्टी इन्वॉल्व है जहां पे आपकी हेल्थ इन्वॉल्व है ना जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गए आप कोई पानी पी रहे हो बॉटल्ड वाटर इज देयर या फिर आप दूध ले रहे हो है ना दूध है पान पीने का पानी है जिसमें आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अगर वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है तो वहाँ पे ये क्या किया जाएगा मैंडेटरी कर दिया जाएगा कंपलसरी कर दिया जाएगा कि यहाँ पे तो आपका सर्टिफाइड होना ही चाहिए बी आई एस की तरफ से तो आई एस आई मार्किज देयर है ना ये आपको दिखाई देता है बिजली के स्विच हो गए और बहुत सारी चीज़ों पर आपको ये आई एस आई का मार्का दिखता है आई एस आई मार्क इसलिए होता है जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए आपका ये रहता है आई एस आई मार्क इज ए स्टैंडर्ड कम्पलायंस मार्क फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया सिंस नाइनटीन फिफ्टी फाइव से आपका वर्क कर रहा है और अभी ये जो आई एस आई मार्क दिया जाता है इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है ये इंडिया के जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ओके उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये आपका प्रोडक्ट बना हुआ है तो बिकॉज दीज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न विथ हेल्थ सेफ्टी हमने देख ही लिया है आई एस आई मार्क इज मैंडेटरी अब कौन कौन सी जगह पे मैंडेटरी है ये ध्यान रखिए यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जहाँ पे भी आपकी सेफ्टी हेल्थ इन्वॉल्व है वहाँ पे ये कंपल्सरी हो जाएगा स्विच हो गए इलेक्ट्रिक मोटर वायरिंग केबल हीटर किचन अपलाइंसेज सब में आपका आता है आई एस आई मार्क है ना बिना आई एस आई मार्क के आपको नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होगी कोई झटका लग गया बिजली का सेफ़ नहीं है एट्सट्रा इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं एल पी जी सिलेंडर हैं टायर हैं यहाँ पर भी आपका कंपलसरी है इन अदर केसेस मोस्ट ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स आईएसआई एस आई मार्क आपके ऑप्शनल हैं ऑप्शनल हैं अब ये ऑप्शनल तो कर दिया इन्होंने लेकिन यहाँ पे कंज्यूमर की अवेयरनेस का सवाल आ जाता है कि आप लोग अवेयर रहें ठीक है आप लोग अवेयर रहें कि हमारे को इस आईएसआई मार्क वाली चीज़ें ही लेनी है क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ठीक है दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस शुड बी देयर आप तो दिस इज द थिंक एक इसके अलावा आपका इको मार्क भी ये रिलीज करता है ना इको मार्क भी ये रिलीज करता है आई होप दिस टेक्स्ट इज विजिबल कुछ फॉर्मेटिंग का इशू यहाँ पे है टेक्स्ट के रिगार्डिंग कुछ फॉर्मेटिंग का इशू है आई होप ये विजिबल आपको होगा है ना इको मार्क आई एस आई मार्क हो गया हॉल मार्क हो गया ज्वेलरी के लिए इसके अलावा ये इको मार्क भी रहता है अब ये इको मार्क इस तरह का साइन अगर आपको किसी प्रोडक्ट पे दिखाई देता है इसका मतलब है उस प्रोडक्ट को इस तरह से बनाया गया है कि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो क्लियर कम से कम नुकसान हो उसी कैटेगरी के, के जो दूसरे प्रोडक्ट है उस पर अगर ये वाला मार्क आपको नहीं दिख रहा है इको मार्क इसका मतलब है वो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है तो अगेन ये कंपलसरी नहीं है टोटली totally वॉलंटरी है ओके okay? यहाँ पे रोल किसका आएगा आपकी हमारी अवेयरनेस का कि आप ये देखें कि इको मार्क वाला कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं अगर आप एनवायरमेंटली सेंसिटिव हैं एक अवेयर आप कंज्यूमर हैं सिटीजन हैं सो यू वुड बी गोइंग फॉर दैट इको मार्क थिंक क्लियर चलिए नेक्स्ट हम आएंगे एक ये आपका एडिटोरियल है ओके दैट इज़ रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी की क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है जब से अलसलवाडोर ने इसको लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है है ना ये हमने डिस्कस किया था अलसलवाडोड ने जब इसे लीगल टेंडर डिक्लेयर किया था लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है लीगल uh, टेंडर का क्या मतलब होता है आई होप आपको पता है लीगल टेंडर लीगल टेंडर या फिर इसे कई बार कहा जाता है फी मनी फी मनी इसका क्या मतलब है लीगल टेंडर या फी मनी वो आपका है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है है ना लीगल टेंडर मींस इसको ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल है जैसे आपके कॉइन्स हैं नोट्स हैं जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता है, है ना अगर आप किसी को डीडी के अंदर पेमेंट दोगे तो मे भी वो डिक्लाइन कर सकता है लेकिन कैश को कौन मना करेगा अगर कोई कहेगा नहीं मुझे कैश नहीं चाहिए आप कहोगे फिर चाहिए क्या तुम्हें क्लियर तो कैश को कोई डिनाई नहीं कर सकता दैट्स दरसा दीज आर नॉन एज द लीगल टेंडर फी मनी भी इसी को कहा जाता है जैसे जो गवर्नमेंट के या जैसे हमारा जो नोट होता है या कॉइन्स होते हैं है ना फी मनी का मतलब होता है इसका अंडरलाइंग ठीक है जो एक्चुअल वैल्यू है जैसे मान लीजिए एक हज़ार का नोट है फाइन तो एक हज़ार का जो नोट है वो कागज़ का टुकड़ा है उसके अंदर कोई ऐसा एक हज़ार की वैल्यू तो नहीं है ना उसका वैल्यू एक हज़ार क्यों है क्योंकि गवर्नमेंट उसे बैक कर रही है गवर्नमेंट कह रही है कि इसकी वैल्यू वन थाउजेंड रुपीज़ है अगर आपको कभी भी वन थाउजेंड रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पे देंगे ओके आर के गवर्नर का वहां पर रहता है ना तो गवर्नमेंट की बैकिंग की वजह से ओके उसकी वजह से उसका वैल्यू है उसका अंडरलाइन इनहेरेंट कोई वैल्यू नहीं है जैसे क्या होता है गोल्ड है अगर आपके पास तो गोल्ड की तो वैल्यू रहेगी इतने का गोल्ड है तो वैसा इसी ये कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है उसका जो वैल्यू है वन थाउजेंड है फाइव हंड्रेड है वट एवर इट इज दैट इज बिकॉज द गवर्नमेंट हैज़ रिकॉगनाइज दिस और गवर्नमेंट इसको वो कर रही तो ये तो मतलब हुआ लीगल टेंडर या फिर फी एट फीएट मनी का तो अल अलसल्वाडोर जो है जो कि एक आपका कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में इस तरह से है दैट बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री बन गया जिसने ये आपका अडॉप्ट कर लिया बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मतलब अब उस कंट्री में कोई भी मना नहीं कर सकता बिटकॉइन में पेमेंट लेने से ठीक है तो आ, क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन एक तरह की क्रिप्टो करेंसी का क्या मतलब है जैसे हमारे हाथ में जो करेंसी होती है नोट होती है कॉइन होते हैं उस तरह से नहीं होता है इसका एग्जिस्टेंस ये एक तरह की वर्चुअल करेंसी है ठीक है ना डिजिटल करेंसी आप इसे कह सकते हो जो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से आपकी बनती है ओके ब्लॉक टेक्नोलॉजी की और इससे आपका यूज़ किया जाता है तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि इंडिया भी क्या क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में कुछ कर सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे बात हो रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का सिनेरियो यहाँ पे एड्रेस किया गया है इसको हम डिस्कस करेंगे ये मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स बताया है प्लीज हैव है लुक अल सालवाडोर वाला केस है वो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि अल सालवाडोर का कोई वहाँ पे सेंट्रल बैंक नहीं है जैसे इंडिया में आरबीआई है है ना तो उस तरह से तो वो तो हम अलग से पूरा डिस्कस कर चुके हैं उसमें हम नहीं जा रहे हैं अब हम इंडिया का केस डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इंडिया को क्रिप्टो करेंसी लीगलाइज कर देनी चाहिए या पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए व्हाट शुड इंडिया डू एज़ फार एज़ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आर देयर तो इस कॉन्टेक्स में अगर आप देखेंगे ओके सो द थिंक इज दैट स्विंगिंग बिटवीन द एक्सट्रीम्स इंडिया का जो केस है वो एक्सट्रीम के अंदर स्विंग कर रहा है जैसे कि या तो आपने बिल्कुल उसे खुला छोड़ रखा था है ना कोई रेगुलेशन नहीं है फिर आप रेगुलेशन के ऊपर आए तो आपने उसको बैन कर दिया क्लियर जैसे 2018 के अंदर आर ने कहा था कि हम इसको जो है इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज़ हैं टेरर फाइनेंसिंग होती है टैक्स इवेजन होता है क्योंकि पता तो चल नहीं रहा है कौन उसे यूज कर रहा है क्योंकि आपको एक वो जो वॉलेट होता है फाइन वो एक सॉफ्टवेयर है उसका एक एड्रेस आपको दिया हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा कौन उसको यूज़ कर रहा है मनी कहाँ से किस इंडिविजुअल को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये ससेप्टेबल होता है कि क्रिमिनल uh, एक्टिविटी के अंदर जो भी क्रिमिनल्स होते हैं इसी में डील करते हैं तो इस इस कॉन्टेक्स में आर ने दो में इसको क्या कर दिया था बैन कर दिया था क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर क्या किया था बैन किया था फिर इस बैन को हटाया सुप्रीम कोर्ट ने दो के अंदर ओके दैट वॉज मार्च की बात है फेब लास्ट या मार्च की बात है लास्ट ईयर इसको हटाया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपको इशू आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का जो भी इशू आ रहा है तो हर चीज के लिए लॉ बना हुआ है तो आप इस पर पूरा ब्लैंकेट बैन क्यों कर रहे हो अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है यूज द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ओके और जो भी इशू है हर चीज के लिए लॉ बना हुआ है तो उस तरह से आप जाइए इस तरह से ब्लैंकेट बैन सही नहीं है और फिर उस बैन को यहाँ पे हटाया गया क्लियर ये इंडिया का अप्रोच है तो इंडिया का अप्रोच क्या कर रहा है स्विंग कर रहा है बिटवीन द एक्सट्रीम्स ऑफ नॉन इंटरफेरेंस या तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हो या फिर आपने पूरा बैन लगा दिया तो हमेशा आप देखोगे एक्सट्रीम पे जाना दैट इज़ नॉट द राइट वन हमेशा एक बैलेंस आपको चाहिए तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि एक बैलेंस चाहिए और इस कॉन्टेक्स में इंडिया का जो आ, ये क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल है ओके ये बिल आपका प्लेस ही हुआ हुआ है अभी ये ड्राफ्ट बिल है इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो ये बिल चाह रहा है कि हम इस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आ, ट्रेड है एट्सेट्रा ओके उसको आ, ये बैन क्रिमिनलाइज करने की बात कर रहा है ये जो बिल है दैट इज दैट इज़ एमिंग टू क्रिमिनलाइज ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज ओके तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा बड़ा मुश्किल हो जाएगा और क्रिप्टो uh, करेंसी एक तरह का उभरता हुआ आपका सेक्टर है हालांकि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉस हो जाता है वॉलिटाइलिटी बहुत ज़्यादा है तो उस उन uh, चीज़ों को आप एड्रेस करते हुए आगे जाइए रादर देन जस्ट बैनिंग दिस और यहाँ पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है आर बी बैकड डिजिटल करेंसी आरबीआई की तरफ से डिजिटल करेंसी आ जाए तो गवर्नमेंट इसको बैन करने की तरफ क्यों ज्यादा झुकाव है गवर्नमेंट का क्योंकि देखिए ये जो आपका है क्रिप्टो करेंसी है या जो बिटकॉइन है ये डिसेंट्रलाइज है पूरा अभी क्या है आरबीआई जो है इंडिया में जितना भी मनी है जो भी नोट है उसकी मनी सप्लाई है वो आरबीआई के हाथ में आरबीआई के कंट्रोल में अच्छा मनी बढ़ाना है तो आरबीआई के हाथ में कितना मनी बढ़ाना है कम करना है एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आर बी आई यहाँ पे ऐसा नहीं है क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी एक कोई देश है वो इसको क्रिएट कर रहा है ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइज सिस्टम है अलग अलग देशों में अलग अलग जगह से बिटकॉइंस क्रिएट हो रहे हैं इनके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं तो वहाँ पर आर जो मॉनिटरी अथॉरिटी है उसका कंट्रोल यहाँ पे कम हो जाएगा ठीक है वो एक इशू है उसको आप कैसे डील करोगे दैट्स वाय द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू डिसाइड किस तरफ हमें जाना है क्या करना है ये थोड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ पे आपको जो अप्रोच uh, फॉलो करना पड़ेगा दैट शुड बी अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच और आप उसमें दूसरे कंट्रीज़ के कुछ लेसेंस ले सकते हो जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं यूके ने क्या किया है ओके okay, यूके ने क्या किया है यूके ने इसको आपका प्रॉपर्टी का दर्जा दे दिया यूके ने क्या किया क्रिप्टो करेंसी को प्रॉपर्टी के रूप में क्लासिफाई कर दिया अब जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड हो रहा है नहीं हो रहा है वो जो प्रॉपर्टी के रेगुलेशन है वही क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लग जाएंगे फाइन तो इस तरह से उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क दे दिया क्रिप्टो करेंसी को और हर देश में अलग है हम ऐसा नहीं कर सकते यूके ने ऐसा कर दिया तो इंडिया भी ऐसा कर लिया इंडिया का सिचुएशन अलग है यहाँ की जो इकोनॉमिक सिनेरियो है इकोनॉमी की सिचुएशन है दैट इज डिफरेंट हाव एवर यहाँ से हम कुछ लेसन्स ले सकते हैं इसी तरह से यू ने क्या किया है यू ने बहुत ओपन यहाँ पे किया हुआ है द ओपन अप्रोच टेकन बाई द अथॉरिटीज हैज रिजल्टेड इन द ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसी बींग बोथ टेक्सड एंड अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड तो यू एस ए के अंदर तो पूरा ट्रेड होता है जैसे एक्सचेंज के अंदर होता है ओके सो दिस इज़ द थिंग यूएसए की काफ़ी ओपन अप्रोच है इंडिया के लिए क्या सूटेबल है वो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि okay, डिसाइड करें जो भी इकोनॉमिस्ट हैं और जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट है वो सब मिलके यहाँ पे डिसाइड करें और एक बैलेंस्ड रेगुलेशन हम अचीव करें दिस शुड बी द पर्पज रादर देन प्लेसिंग द ब्लैंकेट बैन क्योंकि ये एक तरह की उभरती हुई टेक्नोलॉजी है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है इसका मतलब आने वाले टाइम में Uh, यहाँ पे इंडिया ऐसा ना हो कि पीछे रह जाए तो एक जो प्रॉपर यहाँ पे सॉल्यूशन है दैट शुड बी द गो विद दिस बैलेंस्ड रेगुलेशन इन द एबसेंस ऑफ एग्जिस्टिंग लीगल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी शुड नॉट बी द इम्पिटस टू प्रोहिबिट इस यूज़ है ना ऐसा नहीं कि अभी कोई रेगुलेशन नहीं है तो इसके यूज़ को ही बैन कर दिया जाए दिस शुड नॉट बी डन चलिए तो दिस वॉज दैट आर्टिकल रिगार्डिंग दिस क्रिप्टो करेंसी थिंक तो बहुत न्यूज़ में अभी आपका चल रहा है नेक्स्ट हम मूव करेंगे या दिस इज अगेन ऑन द फ्रंट पेज और दिस इज अ बिग न्यूज हाउ गवर्नमेंट ने डिसाइड तो कर लिया था अनाउंस मतलब अनाउंस तो कर दिया था लेकिन अभी डिसीजन ये आया एडिशनल फर्टिलाइजर ओके एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है ओके दैट इज चेयर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो इसने ये क्या कर दिया है इसने इसको अप्रूव कर दिया है प्रपोजल को जिसकी बात हो रही थी कि हम जो सब्सिडी है फर्टिलाइजर उर्वरक जो होते हैं आपके ओके उस पर जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी है उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात चल रही थी और गवर्नमेंट ने इसको एक प्रतिशत से इंक्रीज किया है फाइन क्यों किया है देखिए दो तरह से आपका चल रहा है आ, इसे हम पूरा लेंगे प्लीज हैव हैवे लुक देखिए जो सब्सिडी स्कीम होती है जो फर्टिलाइजर्स है उसकी सब्सिडी स्कीम दो तरह से आपकी कंट्रोल हो रही है एक तो आपके हैं यूरिया है ना यूरिया के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है यूरिया पे गवर्नमेंट ने आई थिंक ये हमने कवर किया है पहले हमने इसको कवर किया हुआ है ठीक है हम वापस इसे लेते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल इसे दोबारा लेते हैं और आज फ्रंट पेज पे ही न्यूज़ है और इस पर डिस्कशंस रहेंगे एडिटोरियल भी रहेंगे इसे एक बार समझ लीजिए यूरिया जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है गवर्नमेंट ने इस पर क्या किया हुआ है एमआरपी जो इसका है <coughs> फिक्स किया हुआ है एमआरपी फिक्स्ड जैसे कि एक फोर्टी फाइव पैंतालीस किलो का जो बैग है उसके लिए टू फोर्टी टू फिक्स कर दिया <coughs> गवर्नमेंट ने कहा आप इसका एमआरपी फिक्स है आप इसको नहीं बढ़ा सकते हो तो फार्मर को तो ये एमआरपी ही पे करना है लेकिन कंपनियां क्या कहेगी कि यार हमें प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा लग रहा है आपने टू टू फिक्स कर दिया लेकिन मान लो हमें चार सौ लग रहा है तो गवर्नमेंट कहेगी जो भी आपको लग रहा है वो हम देंगे एक्स्ट्रा पैसा चाहे आपको चार लग रहा है चाहे आपको चार हो जाता है वॉट इट इज ओके इतना पैसा हम आपको देंगे आप एम फिक्स रखोगे ये होता है यूरिया पे लेकिन यूरिया के अलावा जितने भी और फर्टिलाइजर्स हैं एक्सक्यूज <coughs> मी यूरिया के अलावा जितने भी और फर्टिलाइज़र उसके अंदर एम फिक्स नहीं है वो डी कंट्रोल्ड है वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है वहां पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी फिक्स किया हुआ है सब्सिडी को क्या किया हुआ है सब्सिडीज फिक्स्ड सब्सिडी फिक्स हो गया जैसे कि अभी आपका था पाँच सौ कुछ इस तरह से था सब्सिडी फिक्स था पाँच सौ की सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी जैसे गवर्नमेंट ने पाँच सौ सब्सिडी फिक्स किया हुआ था तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी आपका जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है डी जिसे कहते हैं ओके डाई अमोनियम फॉस्फेट जो होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट है यूरिया के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला फर्टिलाइजर है ओके okay, जिसका सबसे ज्यादा यूज़ होता है तो फार्मर्स बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या कहा गवर्नमेंट ने कहा कि हमने पाँच सौ रुपये इसमें फर्टिलाइजर सब्सिडी आपका देंगे है ना पाँच सौ रुपये हमने फिक्स कर दिया और ये आपका सोल्ड हो रहा है लगभग बारह सौ रुपये के आसपास अभी इसकी प्राइस कितनी थी बारह सौ रुपये के आसपास प्राइस थी अब इसकी प्राइस बढ़ रही है मान लीजिए 1200 से ये 1500 पे चला गया तो फार्मर को तो यही पे करना पड़ेगा ना क्योंकि इसकी एम फिक्स नहीं है यूरिया की तरह इसकी प्राइस बढ़ रही है ये पंद्रह सौ पे चला गया और फार्मर पहले कितना पे कर रहा था अगर ये बारह है और पाँच सौ गवर्नमेंट दे रही है तो फार्मर को पहले पे करना हो रहा था सात अब ये बढ़ के आपका पंद्रह सौ हो गया फार्मर को पे करना पड़ रहा है हजार रुपये और ये बढ़ता ही जा रहा है और इसकी प्राइस बढ़ के कितने पे चली गई नाइनटीन हंड्रेड रुपीज पर बैग एक बैग का उन्नीस सौ रुपये पहुंच गया और फार्मर कह रहे हैं यार आप कर क्या रहे हो गवर्नमेंट को ठीक है कहां पे हम केवल सात सौ रुपये पे कर रहे थे क्योंकि आपने पाँच सौ रुपये फिक्स किया हुआ था नाउ बिकॉज द प्राइस ऑफ पर बैग हैज़ इंक्रीज अप टू नाइनटीन हंड्रेड रुपीज तो हम यहाँ पे चौदह सौ रुपये पे कर रहे हैं मतलब डबल दुगना पे करना पड़ रहा है फार्मर्स को समझ रहे ये बहुत बड़ा इशू हो गया और गवर्नमेंट अभी अभी फार्मर प्रोटेस्ट से बड़ी मुश्किल से इस तरह से जूझ रही है अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हुआ है फार्म बिल को लेकर काफ़ी कॉन्ट्रवर्सी थी गवर्नमेंट नहीं चाहती फार्मर्स यहाँ पर नाराज हो उनको वापस कोई इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो एक और प्रोटेस्ट का मौका यहाँ पर दिया जाए तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इसको इंक्रीज कर देते कोई बात नहीं आप अपनी जेब से सात सौ पहले दे रहे थे सात सौ ही अभी दीजिए हम आपको ये पाँच सौ रुपये की सब्सिडी है इसको हम बढ़ा के क्या कर देते हैं इसको हम बढ़ा के बारह सौ रुपये कर देते हैं पचास किलो का एक बैग रहता है ओके जिसकी प्राइस क्या थी पहले बारह सौ रुपये थी पाँच सौ रुपये गवर्नमेंट दे रही थी लेकिन फार्मर पहले बारह सौ दे रहा था ये बढ़ के उन्नीस सौ हो गया तो फार्मर को उन्नीस सौ रुपये देने पड़ रहे थे तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं है हम आपको सब्सिडी बढ़ा देते हैं आपको ट्वेल्व हंड्रेड पर बैग सब्सिडी दे दी जाएगी ये समझ आ गया आपको यस और नो बफर कर रहा है इज इट बफरिंग एक बार बता दीजिए एवरीथिंग इज़ फाइन ना इट शुड नॉट बफर फाइन तो ये प्रोसेस चलता है तो यूरिया का तो फिक्स है एम के फॉर्म के अंदर ओके और यहाँ पर पूरा इसको डी कंट्रोल गवर्नमेंट ने किया हुआ है तो जब आप इस न्यूज़ को पढ़ेंगे फ्रंट पेज पे तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी ठीक है ना किस तरह से ये चल रहा है क्यों गवर्नमेंट ने बढ़ाया है अब एक बार जो डायमोनियम आपका जो फॉस्फेट है ठीक है डायमोनियम फॉस्फेट है उसका यूज़ हम देख लेते हैं डायमोनियम फॉस्फेट के यूज़ को पूछ सकता है एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स में डाईमोनियम फॉस्फेट फार्मर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए इसको सोइंग सीजन जो बुआई का सीजन होता है उससे पहले फार्मर्स यूज करते हैं क्योंकि रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है है ना एंड सेकेंड मोस्ट कॉमनली यूज फर्टिलाइजर है ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है अप्लाई करते हैं जस्ट बिफोर द सोइंग सीजन दैट इज अगेन अन इंपॉर्टेंट फैक्ट हाई इन फॉस्फॉरस कॉन्टेंट इसमें फॉस्फरस का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है स्टिमुलेट्स द रूट डेवलपमेंट ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो सोइंग सीजन के टाइम पे प्लांट फटाफट से ग्रो कर जाए आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो उपज अच्छी हो दिस इज़ द पर्पज डाईमोनियम फॉस्फेट ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट इज वन ऑफ सीरीज़ ऑफ वाटर सोल्यूबल अमोनियम फॉस्फेट साल्ट है दैट कैन प्रोड्यूस वैन अमोनिया रिएक्ट विद द फॉस्फोरिक एसिड इसको फर्टिलाइजर के रूप में तो यूज किया ही जाता है इसके अलावा और बहुत सारे यूज हैं क्या है uh, जैसे कि ये जो है टेम्परिली uh, इंक्रीज कर देता है सॉइल का पीएच टेम्प्रेरी बेसिस पे इंक्रीज कर रहा है सॉइल का पीएच मतलब सॉइल को एल्कलाइन बना रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करोगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉइल को एसिडिक बना देगा और एसिडिक सॉइल बिल्कुल आपका बहुत नुकसानदायक होता है एसिडिक सॉइल बना देता है ओके ट्रीटेड ग्राउंड बिकम्स मोर एसिडिक देन बिफोर अपॉन नाइट्रिफिकेशन ऑफ द अमोनिया क्योंकि अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होता है और ये जो एसिड क्रिएट हो रहा है सॉइल एसिडिक हो जाती है नुकसान पहुंचता है इसीलिए कहा जाता है हमेशा जो है आ, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में ही फर्टिलाइजर को यूज़ किया जाना चाहिए ऐसा नहीं बिल्कुल अंधाधु यूज़ किया जा रहा है हेल्थ पे भी नुकसान होता है कंज्यूमर की और पूरी सॉइल की जो फर्टिलिटी uh, है वो भी डिक्लाइन हो रही है इट इज़ इनकम्पेटिबल विथ एल्केलाइन केमिकल बिकॉज बिकॉज इट्स अमोनिया एंड इज़ मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू अमोनिया ओके इन अ हाई पी एच एनवायरमेंट दैट इज फाइन ओके डी ए पी कैन बी यूज एज ए फायर रिटार्डेंट इसे ध्यान रखिए येस्ट न्यूट्रिएंट में भी इसका यूज़ किया जाता है वाइन मेकिंग हो गया ओके okay, इसके अंदर आ, सिगरेट्स के अंदर यूज़ होता है निकोटीन एनहांसर के रूप में इसका यूज होता है तो फर्टिलाइजर के अलावा और क्या क्या यूज़ होते हैं ये पूछ सकता है आपको प्रॉब्लम्स के अंदर है ना एग्रीकल्चर में ये ध्यान रखिए और पूरा जो सब्सिडी का फ्रेमवर्क है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि यूरिया का एम फिक्स करके देते हैं और जो दूसरे अदर फर्टिलाइजर्स हैं ओके okay, वो डी कंट्रोल्ड हैं डी कंट्रोल है मतलब वहाँ पर एम फिक्स नहीं है सब्सिडी फिक्स है ठीक है तो फिर सब्सिडी फिक्स है तो जो कंपनियां हैं वो जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगा उस हिसाब से अपना एमआरपी बढ़ाएंगी एम बढ़ रहा है तो फार्मर को तो एम ही पे करना है उस कॉन्टेक्स में ये है और गवर्नमेंट ने यहां पर इसका सब्सिडी बढ़ा दिया है अभी ये जो सब्सिडी होती है यूरिया के अलावा ये क्या होती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी होती है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जा रही है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम इसमें क्या होगा इसके अंदर मान लीजिए कोई भी आपका है कोई भी फर्टिलाइज़र है फॉर एग्ज़ाम्पल डी की हम बात करें डायमोनियम फॉस्फेट इज देर तो इसके अंदर कुछ परसेंटेज होगा अच्छा इसके अंदर अमोनिया इतना है फॉस्फोरस इतना है समझ रहे हैं आप uh, फॉस्फोरस इतना है पोटाशियम इतना है अमोनिया इतना है वाट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन वाट एवर परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन इज देयर उनके कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज ऑफ जो कॉन्ट्रीब्यूशन uh, है इन न्यूट्रिएंट्स का है ना फॉसफे फॉस्फेट uh, है या पोटास है जो भी है तो उस बेसिस पे यूरिया को तो आपने हटा ही लिया उस बेसिस पे आप क्या करोगे इसकी सब्सिडी डिसाइड करोगे जैसे डाईमोनियम फॉस्फेट है म्यूरेट्स ऑफ पोटाश है तो इसके अंदर फॉस्फोरस का कॉन्टेंट सिक्सटी मान लिया या फिर और हैं उसका फोर्टी मान लिया तो उस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे क्योंकि रेट फिक्स है किस चीज़ की नाइट्रोजन के लिए इतना रुपीस पर केजी सब्सिडी रेट फिक्स है ओके फास्फोरस के लिए इतना है पोटेशियम के लिए इतना रुपए पर किलो आपका दिया जा रहा है ओके सल्फर के लिए इतना रुपए पर किलो दिया जा रहा है तो उस पर्टिकुलर जो भी आप फर्टिलाइजर म्यूरेट ऑफ पोटाश या जो भी दे रहे हो उसमें क्या है फॉस्फरस भी होगा के भी होगा एस भी होगा उनका जितना जितना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पर के से फाइन तो इस तरह की सब्सिडी दी जाती है जैसे एन रेट है उस हिसाब से ये रेट डिसाइड होती है इसका मतलब है न्यूट्रियट बेस्ड सब्सिडी स्कीम तो ये न्यूट्रिय बेस्ड सब्सिडी स्कीम फॉलो की जाती है यूरिया के अलावा सब जगह और ये 2010 से आपके ओके दो हज़ार दस से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी फॉलो की जा रही है पोटेशियम और आपके जो ओके okay, ये फर्टिलाइज़र हैं पोटाश एंड ऑल सब्सिडी वुड बी रिलीज टू द फर्टिलाइजर कंपनी अब इसमें एक और ये है कि आपकी जो सब्सिडी होती है वो फर्टिलाइज़र कंपनी को दी जा रही है है ना इतना पैसा फर्टिलाइज़र कंपनी को दिया जा रहा है ताकि उस हिसाब से उसकी जो प्राइस है वो मेकअप हो जाए उस प्राइस को वो रिड्यूस कर सकें एंड नाउ द थिंक इज़ दैट जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं पहले उनको क्या होता था उनके गोडाउन से ये माल चला गया है ना जैसे उन्होंने अपने गोडाउन से माल छोड़ा उनको फर्टिलाइजर सब्सिडी दे दी जाती थी लेकिन अभी होता क्या था इतने हेविली सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स हैं यूरिया का बहुत जगह यूज़ होता है।, है ना यूरिया को आप फीडर के रूप में जानवरों को खिला देते हो प्लाई बोर्ड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है तो जो नॉन फार्मर्स हैं वो इसको ले जाते हैं ठीक है सस्ता मिल रहा है चलो यूज़ कर लो डाइवर्जन होता है तो ये डाइवर्जन ना हो इसलिए क्या किया जाता है अब यहाँ से ये डिटेल पॉइंट पे जाएगा रिटेल पे जब जाएगा और इसकी सेल हो जाएगी फार्मर जब इसको खरीद लेगा उसके बाद में इनको ये सब्सिडी यहाँ पे इस तरह से रिलीज किया जाएगा क्लियर ताकि डाइवर्जन कम किया जा सके लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम फेस की जा रही है कई लोग ऐसे होते हैं जो फार्मर नहीं है ओके इस तरह से इनका यूज़ वहाँ से उन्होंने खरीद लिया बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया तो गवर्नमेंट इसको भी एड्रेस करने की बात कर रही है क्या हम फार्मर के बेसिस पे पर बैग फिक्स कर दें इतना ही आप ले सकते हो एट्सट्रा एट्सट्रा लेकिन ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है ठीक है इसके ऊपर देखते हैं क्या रहता है ये जो पूरा इशू है हमने डिस्कस किया है फर्टिलाइजर सब्सिडी का क्लियर एक जो न्यूज चर्चा में रही वो थी बाइडन और पुतिन की मीटिंग ओके यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं और रशिया के जो काउंटर पार्ट हैं उनके उनकी जो मीटिंग रही उसमें तो कुछ जो मेजर डिसीजन हुए दैट इज आर्म्स कंट्रोल की दोनों बात कर रहे हैं कि आर्म्स कंट्रोल को हम इस तरह से करेंगे साइबर सिक्योरिटी की बात की जा रही है ओके okay, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके एक्स्ट्रा डिशन की बात की जा रही है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की है और वैसे जो डिस्कशन पॉइंट है रादर देन डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट्स इस पूरे इशू को जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी इन द फॉर्म कि जो रशिया और यू का रिलेशनशिप है वो किस डायमेंशन की तरफ किस तरफ किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है बाइडन के आने से क्या चेंज हुआ है ये सब चीज़ें डिस्कस होगी तो इस पर दो तीन दिनों में आपका एक आर्टिकल रहेगा एडिटोरियल रहेगा एंड होपफुली वी आर एक्सपेक्टिंग कि सी राजा मोहन का आर्टिकल रहे तो वहाँ पे इस मीटिंग से जो भी कंक्लूजन्स निकाले जाने हैं वो हम वहाँ पे लेंगे है ना वो ज़्यादा आपका फ्रूटफुल होगा और डबल मेहनत भी नहीं होगी जो भी यहाँ पॉइंट होंगे वो वहाँ इंक्लूड होंगे वहाँ पर एनालिसिस पार्ट भी रहेगा तो इस पूरे इशू को हम इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल या आर्टिकल कवर करेंगे इन द अपकमिंग सेशन क्लियर चलिए पी आपको यहाँ पे इसका मिलेगा सेशन का यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन हम करेंगे कल मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था है ना इन्फ्लेशन का एक टॉपिक आपका आया था और मैंने आपको इन्फ्लेशन पढ़ाया था तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके आई प्रॉब्लम्स में पूछे हुए हैं आई प्रॉब्लम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं इनका आंसर कीजिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन आई एम लुकिंग एट द चैट बॉक्स ओके आप 300 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे हो आई नीड द रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू सभी को आंसर करना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आप इसका आंसर करोगे एक छोटी सी क्लास 10 मिनट का डिस्कशन है उसके बेसिस पे आपको आंसर कर सकते हो विच ऑफ़ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए पी जो है कौन रिलीज करता है लेबर ब्यूरो इससे इससे सरल क्वेश्चन सर ये तो लड्डू है इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है ये प्रॉब्लम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कल ही हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो क्या चेक कर रहा है प्राइस लेवल को ऊपर नीचे जो जा रहा है किसका कंज्यूमर का आप और हम जो पेमेंट कर रहे हैं तो ये चार तरह का होता है कल हमने बताया था एक था सी पी दैट इज इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए एक था आपका सीपीआई रूरल लेबरर्स के लिए एक था आपका एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए ये तीन है और ये तीनों मैंने बताया था कि ये कौन रिलीज कर रहा है आपका लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ठीक है तो ये तीनों यहां पे रिलीज किए जा रहे हैं और आपका जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है ये सी पी जो है ये इंपॉर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसका इस साल अभी एक दो महीने पहले ही इसका जो बेस ईयर है वो चेंज हुआ है इसका बेस ईयर टू कर दिया गया है ये ध्यान रखिएगा इसका बेस ईयर हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ ले आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है और बाकी जो आपके आर डब्ल्यू और ए एल हैं रूरल लेबर एग्रीकल्चर लेबर इसका बेस ईयर जो है वो 1986 87 रहेगा क्लियर है इसके अलावा एक फोर्थ आप, आपका सी पी आई और होता है चार तरह का सी पी आई था दैट इज दिस सी पी आई कम्बाइंड सी पी आई सी जिसे हम कहते हैं सी पी आई कम्बाइंड दैट इज यूज बाई द आर बी आई फॉर इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्लियर है चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है दैट इज अगेन आई एस प्रॉब्लम्स का ही आपका क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं विथ रेफरेंस टू और ये पिछले दस साल के ही हैं हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जा रहे विथ रेफरेंस टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन्फ्लेशन मतलब महंगाई से बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है फटाफट से बताइए वट शुड बी द आंसर कंट्रोलिंग द इफ्फलेशन इन इंडिया इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑनली क्या केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी है आर बी आई का कोई रोल नहीं है रेडिक्यूलसा स्टेटमेंट है गलत हो गया क्या बात कर रहे हो है ना फटाफट आपने गलत कर दिया फिर क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नो रोल ये तो मजाक हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई रोल ही नहीं है महंगाई में और ये तो डेली न्यूजपेपर में मतलब कोई तैयारी नहीं कर रहा है वो भी बता देगा तो ये तो गलत स्टेटमेंट है फिर सही क्या है डिक्रीजिंग द मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इनक्रीजिंग द मनी सर्कुलेशन तो ये इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका जाना चाहिए एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू सी द रेस्पांस दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू आर रेस्पॉन्डिंग राइट सभी बच्चों का सही है ठीक है देखिए मनी सर्कुलेशन अगर मार्केट में ज़्यादा होगा अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो ज़्यादा पैसा रहेगा है ना ज़्यादा पैसा उतने ही गुड्स को चेज कर रहा है ठीक है लोगों के हाथ में पैसा है डिमांड ज़्यादा है किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई ऑलमोस्ट सेम सा ही है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है ना आप सब्जी मंडी में जाते हो सब्जियों की प्राइस ही बढ़ जाती है कि आगे सप्लाई नहीं आ रही है डिमांड आपकी बढ़ रही है प्राइस बढ़ गई है क्लियर तो मनी सप्लाई जब मार्केट में बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है तो अगर आपको महंगाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा आरबीआई क्या करेगा मनी सर्कुलेशन को डिक्रीज मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करेगा डिक्रीज करेगा और ये जो मनी सप्लाई को डिक्रीज करने वाला काम है या मनी सप्लाई को बढ़ाने वाला काम है ये क्या है यही तो आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी है क्या बेसिकली सिंपली मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट दैट्स ऑल तो अगर आरबीआई डिक्रीज कर रहा है मनी सर्कुलेशन को तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी याद रखिएगा इसे कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है मनी सप्लाई कम की जा रही है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन मनी सर्कुलेशन इंक्रीज कब किया जाएगा जैसे अभी कोविड में किया जा रहा है क्यों क्योंकि मार्केट में पैसा चाहिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए ठीक है कैपिटल होगा पैसा होगा तभी तो कोई प्रोडक्शन होगा कोई एक्टिविटी होगी प्रोडक्शन होगा तभी तो आउटपुट बढ़ेगा आउटपुट मतलब आपका जो जीडीपी है तो यहां पे आरबीआई क्या करना चाह रहा है कोविड के अंदर आपका लिक्विडिटी क्राइसिस था मनी सप्लाई कम थी तो आरबीआई इंक्रीज कर रहा है मनी सप्लाई को तो हम क्या कहेंगे आर बी आई इज फॉलोइंग द एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी ये आपको समझ आ गया एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी ठीक है इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत सारे और ये चैप्टर एक ऐसा है पूरी इकोनॉमी में अगर आप लेते हो वन मोर टिप ठीक है अगर आप पिछले दस साल के पेपर एनालाइज करते हो यू विल फाइंड कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से पूछे गए हैं दैट इज uh, ये जो मॉनिटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन बैंकिंग ये वाला जो पोर्शन है बाकी से भी आए हैं क्वेश्चन लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज इस पोर्शन पे जा रहा है प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल ये है एक बार आपने समझ लिया आपका काम हो गया हमेशा वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे एक और हम क्वेश्चन लेते हैं ट्राई टू आंसर दिस एज वेल ये तो हमने शायद बहुत बार किया है ये तो आपका लास्ट ईयर प्रॉब्लम्स का ही है ये तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन आ गया आई एस प्री ट्वेंटी ट्वेंटी चलिए इसे भी आंसर कर दीजिए बट शुड बी द आंसर ही ऑफ वट शुड बी द आंसर तीनों स्टेटमेंट है केयरफुली पढ़ो आराम से पढ़ो और आंसर कर देना अब वो बच्चे जिनको जिन्होंने ये पहले क्वेश्चन किया हुआ है मेरे पास में है ना जो हमने एनालिसिस किया था या कहीं पे भी किसी स्ट्रेटजी सेशन में वो थोड़ा बाद में आंसर करना वेटेज क्या कह रहा है देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ होप आपने इसे पढ़ा होगा वेटेज ऑफ फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के अंदर किसका फूड का जो वेटेज है सीपीआई में फूड का वेटेज किससे ज्यादा है WPA से सीपीआई में जो फूड का वेटेज है दैट इज हायर देन डब्लू पी आई तो ये क्या स्टेटमेंट सही है कल ही कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सीपीआई में जो है दैट इज अराउंडोर्टी सिक्स परसेंट डब्ल्यू पी आई में अराउंड ट्वेंटी टू परसेंट है फूड एंड अदर रिलेटेड आर्टिकल जो प्राइमरी आर्टिकल्स थे तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज राइट एब्सोल्यूटली राइट फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है आप नीचे आइए और इस ऑप्शन को कट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट दे ही नहीं रखा है फिर आप आएंगे सेकेंड स्टेटमेंट पे डब्ल्यू पी आई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विसेज सही तो है क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स केवल और केवल गुड्स की बात करता है डब्लू पी आई हमने कल देखा था सिक्स सेवेंटी नाइन आर्टिकल्स फॉर देयर कमोडिटीज सर्विसेज की वहां पे बात नहीं थी ओनली गुड्स की बात थी तो ये स्टेटमेंट यही तो कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड वी आर गेटिंग द आंसर्स वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट सभी बच्चों को आंसर करना है कुछ बच्चे डी भी आंसर कर रहे हैं अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं आपके है ना अब थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है तो ये सी भी काट दीजिए अब आंसर या तो ए जाएगा या डी जाएगा थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यू पी आई एज इट्स की मीजर ऑफ इन्फ्लेशन डिसाइड द चेंजिंग द पॉलिसी रेट ये तो अभी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया क्या कि सी पी आई कम्बाइंड यूज़ किया जाता है ये सी पी आई कम्बाइंड जो है ये यूज़ किया जाता है आर बी आई के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए तो डेफिनेटली uh, ये डब्ल्यू पी आई लिखा है तो गलत हो गया ना कल भी हमने इसकी बात की थी तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होता है तो आंसर ए चला जाता है इतना सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंसेपचुअल क्वेश्चन आते हैं और ये मॉडरेट लेवल पर है बहुत बच्चों ने इसे गलत भी किया है लेकिन आपको गलत नहीं करना है अगर कॉन्सेप्ट आपके ठीक हैं ठीक है अब अगर आपको अंडरस्टैंड है चीज़ों की समझ है तो आपसे हो जाएगी उसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्लियर सी पी आई सी इज़ कंबाइंड जिन बच्चों को सी पी आई सी नहीं पता है कल मैंने बताया था आपको सी पी आई कम्बाइंड में रूरल और अर्बन दोनों आ जाता है 2011 से ये फॉलो किया जा रहा है तो दिस इज ऑल फाइन इस तरह से आपके क्वेश्चन रहते हैं और जो आपके जो डेली बेसिस पे एनालिसिस है इसके अंदर हम कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी कवर करते हैं करंट अफेयर की जो चीज़ें उन्हें भी हम कवर करते हैं दिस इज़ ऑल फॉर टुडे ये सेशन आपका डेली बेसिस पे होता है डेली बेसिस पे आपका रहता है सात बजे अभी आपका यूट्यूब पर नोटिफिकेशन का कुछ अलग एल्गोदम है ना तो नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका आएगा यहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें एक हैबिट आप बनाइए ओके डू वन थिंक ये सेशन का जो लिंक है मैं रात को आपको शेयर करता हूँ ओके okay? तो उसके सेशन के लिंक के ऊपर क्लास का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सेट रिमाइंडर का एक ऑप्शन आता है उस सेट रिमाइंडर पे आप क्लिक करेंगे तो वेन एवर द क्लास गोज़ लाइव इन ऑफ यूट्यूब्स एल्गोरिदम ठीक है आप इंडिपेंडेंट हो गए आपको तो नोटिफिकेशन आ जाएगा क्लियर तो वो एक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है पता नहीं क्लास हो रही है नहीं हो रही है क्लास आपकी हो रही है एंड नोटिफिकेशन विल भी हियर अलॉन्ग विद दिस यू कैन डू वन थिंक आप वो सेट रिमाइंडर पे आप ऑप्शन uh, पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही सुबह सुबह आपकी क्लास रहती है और इतना अच्छे से आपका पूरा करंट अफेयर का कवरेज हो जाता है फाइन चलिए दिस इज आर फॉर टुडे और हर संडे को आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट रहता है जिसमें हर संडे सुबह ग्यारह बजे सिक्सटी मिनट सिक्सटी क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारी आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं हिंदी इंग्लिश में ये टेस्ट है इसको आप अनलॉक कर सकते हैं आर लाइव कोड से एक और चीज़ है बहुत बच्चे uh, इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करेंगे प्रियांशु सून वी विल बी स्टार्टिंग दैट है ना मे बी नेक्स्ट वीक से हम इसे स्टार्ट कर देंगे पी आज आपका रहेगा पी रहेगा आज एक और चीज़ इसमें है कुछ बच्चे पूछते हैं स्क्रीन भेजते हैं सर इसमें इन्वाइट कोड पूछ रहा है क्या करना है कोड पूछ रहा है तो जहाँ पे भी कोड या एट्सट्रा कुछ भी पूछता है ओके इनवाइट कोड है वट एवर इट इज़ या आपकी टेस्ट सीरीज है जैसे इसमें आप आर बी लाइव यूज़ कर सकते हैं तो आपका ये जो कोड है दैट इज़ आर बी लाइव वेयर एवर यू रिक्वायर द कोड

यू कैन ज्वाइन मी एन पी आई बनालिसिस जो आपका छूटा हुआ कॉन्टेंट है अगेन लेट मी अश्योर यू परेशान मत होइए उसको हम स्पेशल क्लास फ्री क्लास के फॉर्म में कवर कर लेंगे क्योंकि आपका एक वीक का छूट गया आई नो दिस एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट